स्वच्छ पर्यावरण हम सबका अधिकार है और इसे स्वच्छ बनाए रखना भी हम सबका नैतिक कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नित्य दिन नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल पर जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में देश के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज परिसर में दर्जनों पौधारोपण किया। इस दौरान वहां मौजूद पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्यों ने भी मारवाड़ परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, रुपेश कुमार सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण जरूरी है, इसीलिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा अग्रवाल तो हमारे घर में इतना पानी मत डाला बाकी सब देखिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण कराने का कार्य कर रहे हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति मेरठ में हुई है उसमें भी इस बात को संगठन की तरफ से कहा गया है कि हर जगह वृक्षारोपण करें। सभी विद्यालयों में भी होगा, अन्य उपयुक्त स्थान पर होगा ताकि पर्यावरणीय व्यवस्था जो है इसको कायदे से संतुलित किया जा सके। उसी क्रम में 15 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू होना है। हमारे संगठन के लोगों के का ये था कि 15 अगस्त 14 अगस्त से शुरू कर दिया जाए, तो 14 अगस्त से आज मैं यहाँ हमारे महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी ने इस बात को ये किया था कि मारवाड़ इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा, तो आज मैं उसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ आकर के वृक्षारोपण अपने कार्यकर्ताओं के साथ करने का काम कर रहे हैं। फिर अन्य जितना है वो महानगर में भी करेंगे, जिले में भी करेंगे, पूरे प्रदेश में स्वयं मुख्यमंत्री भी वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वृक्षारोपण करने का काम करेंगे, सभी मंत्रीगण भारत सरकार के लेकर करके और प्रदेश सरकारों के ये सभी के सभी लोग करेंगे ताकि पूरी तौर पर वातावरण को ठीक किया जा सके। इसमें संगठन के द्वारा 15 लाख उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण पहले भी हुआ है, इस बार भी 15 लाख वृक्षारोपण करने का काम उत्तर प्रदेश में संगठन के तरफ से वो किया गया है, उसको हम करेंगे।